सारे भाई ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। यो कार्यालय है, कार्यालय के बारे में यू बोर्ड लग रहा है, कार्यालय महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी ब्लॉक नारनौंद इसार। आज इस ऑफिस के आगे आए हैं और ये ऑफिस इसलिए, वैसे तो हरियाणा में बहुत सारे ऑफिस हैं और ये ऑफिस मुख्य इसलिए क्योंकि इस डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं, वैसे बता देता हूँ मैं, श्रीमती कमलेश डांडा जी हैं जो बड़े ही काम के रूप में और बड़े उनसे बात करने के तरीके में बहुत इनोसेंट, बहुत शरीफ लगे हैं। मैं उनको इस मामले में इंक्लूड कर नहीं सकता, बाकी हो सकता है कि नहीं हो सकता वो चेकिंग की प्रक्रिया है। इस डिपार्टमेंट में लगभग जो एक गिनती करके उद्देश्य से हिसाब में गिनती करा हाँ, अंदाजा 43 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। 43 करोड़ कितने हुए, घने आदमियाँ घर भर जाए, 43 करोड़ में 43 करोड़ का घोटाला सामने आया है। सरकार का चुना लगा यूं मान लो आप। मैंने जो एक छोटी सी गिनती लिखी है इस डिपार्टमेंट में कौन कौन है, कौन कौन नहीं है, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। ये फिर वही मेरा प्रश्न था कि नारनौंद का यही ब्लॉक मुख्य क्यों, क्योंकि इस ब्लॉक में न्यूज़पेपर में खबर आई थी कि जो फीमेल सुपरवाइज़र हैं उनके अंडर में जो काम था उसमें कुछ घोटाला हो, इस तरीके की कोई खबर थी। तो खबर देख के कान भी खड़े हो गए, भाई ऐसे कैसे। अरे मुख्य बात यह थी किसी और इस टाइप की मीडिया ने ये मामला कवर करा नहीं, शायद इसलिए क्योंकि इसमें सर टीआरपी नहीं थी। लेकिन काम सच्चाई से चला, टीआरपी से नहीं चलता भाई, थोड़े दिन की हो टीआरपी। सिर्फ यही नारनौंद का ब्लॉग जो है गड़बड़ में पाया गया, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये अखबार में ही आया है और आगे कहीं नाम नहीं आए। एक जने का मैंने इस पर कई दिन पहले एक वीडियो भी बनाई थी भी कुछ इस तरह का मामला आया, तो एक भाई का फ़ोन आया कि भाई मेवात में यो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट सस्पेंड कर दिया। अब झूठी थी कि साची थी मैंने बेरा नहीं, फिर भी मैं बताऊँ उनको भी लेके बना, जो पक्के कर्मचारी थे कच्चे थे सबको सस्पेंड कर दिया, बाद में पक्कों को तो ले लिया वापस बहाल कर दिया गया, जो कच्चे थे जो प्रोबेशन पीरियड पे थे वे आज भी उन पर तलवार लटक रही है। यह बात कितनी सच्ची कितनी नहीं मैंने बेरा नहीं, फिर भी अब इसी टॉपिक पावा अखबार में यहाँ का मामला आ रहा था तो इसी यहीं से शुरुआत करेंगे हम। नीचे से शुरू करा, स्वीपर है, ड्राइवर है, पीएन है, चौकीदार है और ये जो बिल्कुल छोटे लेवल के कर्मचारी यहाँ पे हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि वो इस मामले में इन्वॉल्व है कि नहीं है। मतलब क्लीन चिट देने वाले तो हम तो कि हाँ, जब चेकिंग होगी तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है, फिर थोड़ा सा ऊपर आवा डेटा एंट्री ऑपरेटर है, फिर आवा एससी की एक भी पोस्ट हुआ है, आज वो इस ब्लॉक में तो है नहीं और मेरे ख्याल से पुलिस के भी शायद संज्ञान में या पोस्ट नहीं है कहीं करप्शन के मामले में। सस्पेक्ट के मामले में भी एसए की पोस्ट यहाँ पे नहीं है करप्शन में। असिस्टेंट आ गया, फिर क्लर्क आ गया, फीमेल सुपरवाइज़र, सीडीपीओ, पीओ और फिर एओ। ए जो पंचकुला मुख्य हैं, जो अकाउंट ऑफिसर, एओ का मतलब अकाउंट ऑफिसर जो ऊपर बैठा है। जब ये मामला पूरे हरियाणा में फैला कि मातृत्व वंदना योजना में कुछ घोटाले हुए हैं, मातृत्व वंदना योजना के थी 1-2-2, 1000-2000, 2000 जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको पैसे दिए जाएंगे कुछ टाइम, शुरुआत में बेरा लगा तो 1000, फिर एंडिंग 7-8 महीने की जब वह प्रेग्नेंट हो जाए तब उसने 2000, और जब बच्चा हो जावे है तब उसने फिर 2000। इस तरीके से 3 प्रोसेस थे, 5000 रुपये दिए जावे, 1000 शुरू में, फिर 2000, फिर 2000, इस तरीके से 5000 पैसे दिए जावे। अब इस मामले में होया कि जो भी इस मामले में यहाँ के कर्मचारी इन्वॉल्व थे जिन्होंने गड़बड़ करी, उन्होंने क्या करा, इकट्ठे ही 5000 रुपये उनके अकाउंट में डाल दिए। अक्सर होता क्या था भाई, आज उनके फार्म भरे हैं ऑनलाइन, आगे प्रोसेसिंग जा, आगे उसका हिसाब किताब जाओगा ऑनलाइन, फिर वे चेक करेंगे, इस प्रोसेस में 15-20 दिन महीना भी लग जाता जब उन्होंने पैसा मिलना शुरू होता। लेकिन जहाँ तक बात सामने आई है, जो भी बात,
नो बतावा है कि दो चार दिन में उनके 5,000 रुपए डाल दिए, कोई 1,000 2,000 2,000 का कोई सिस्टम नहीं था, इकट्ठे ही 5,000 रुपए उनके अकाउंट में डाल दिए। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे, मतलब जो ओरिजिनल केस थे, जो फेक नहीं थे, उनके तो 15-15 दिन 20-20 दिन तो 2 महीने तक प्रोसेसिंग होया करती, और रेंडमली किसी भी तारीख ने 15 ने 20 ने 22 ने 25 ने नू पीछे उनके अकाउंट में जाया करते। लेकिन हुआ कि जो भी फेक केस थे, अधिकतर ऐसा सुनने में आया है जो भी फेक केस थे उनके फिक्स 1 तारीख ने 5,000 रुपये अकाउंट में डले हैं। अब डिले क्यों कर, सेटिंग क्यों कर हुई है, वैसे तो पुलिस का जो हिसाब किताब है वो जांच करेगी, क्योंकि FIR कट रही है सस्पेक्ट के नाम से, FIR कटी गई, पर्टिकुलर किसी आदमी का नाम शायद नहीं लिया गया। अब यूं बताऊं है, गामा में जब केस पाए, उनके साथ जब पूछताछ हुई, यहाँ के जो वर्कर थे, फीमेल सुपरवाइज़र थी या CDPO मैडम थी, जिन्होंने भी उस बारे में पूछताछ करी, उन्होंने ये बताया, जो जिनके फेक अकाउंट में पीछे गए उन्होंने ये बताया कि जी मारे तो घर कोई आया था और नू बोलिया कि भाई आपके अकाउंट में 5,000 आऊँगे, इसके बदले में आप मारते दो 2,000 रुपये दे दो। तो आदमी भी सोचा यार ठीक है 5,000 बने हैं, 5,000 में तो 2,000 देने, 3,000 मेरे घर बैठे बैठे बना क्या दिक्कत है। तो फिर उन्होंने लैपटॉप लेकर कोई छोरी या कोई छोरा उनके घर गया है, घर बैठ गए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे उनके अकाउंट भरे गए हैं, और दो चार दिन में उनके अकाउंट में पीछे आ गए, मैं दो 2,000 रुपये अपने कमीशन के ले गए। आँख सरकार की तब खुली जब यो मामला पूरे हरियाणा में उठने लगा, पर्टिकुलर नारनौंद में तो नू बतावे ज़्यादा था यो, या ज़्यादा इसलिए कह सको क्योंकि अखबार में नारनौंद की आई और कितनी आई भी नहीं। अब इस मामले में कौन कौन इन्वॉल्व है पक्का तो हम कह नहीं सकते, फिर भी हम गैस करा हाँ कि भाई वो भी उसका है, वो भी उसका है। यह वीडियो खट्टर साहब के पास भी जानी चाहिए, मोदी साहब के पास भी जानी चाहिए, और यह वीडियो कमलेश डांडा जी के पास भी जानी चाहिए, क्योंकि कई बार अभी जैसे मैंने पता लगा कि कुछ शहरों में से फीमेल सुपरवाइज़र को, यहाँ के कर्मचारियों को चंडीगढ़ पंचकुला बुलाया गया इंक्वायरी के लिए, और मैंने जब पूछताछ करी तो नू बतावा कि जिन्होंने बुलाया शायद उन्होंने भी इस मामले का एग्जैक्टली पता नहीं था जितना यहाँ के वर्करों ने, वर्करों का मतलब, हाँ जी बेटा पीछे से चले जाओ आप बेटा पीछे से, थैंक यू बेटा सॉरी शक्तिमान। तो यहाँ पे जब पता चला कि भाई वहाँ के जो बड़े बड़े ऑफिसर थे उन्होंने इस मामले का नहीं पता था, जितनी तैयारी करके यहाँ से गए थे, दो दो दिन तीन तीन दिन ओढ़े बैठे भी रहे हैं, ब्रानमाटी भी हुई है, हालांकि होना ऐसा चाहिए था मेरे ख्याल से कि वहाँ से बड़े कर्मचारी यहाँ आते। अब पूछेंगे भाई गलती तो इनकी, यहाँ पे क्यों आते। अब मैं एक बात कहूँ, यत्र नारियस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पे नारियों की हमारे को ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यो डिपार्टमेंट अधिकतर लुगाइयाँ का है, बेटियों को बढ़ाने की यहाँ पे एक काम करा जावा है, उनको कहीं ना कहीं योगदान दिया जावा है। तो ये जब वहाँ पे गई, पूरे हरियाणा से जहाँ जहाँ से भी इनको बुलाया गया वहाँ पे जब ये गए तो वहाँ पे उनके बारे में कोई भी, उनके लिए कोई भी सुविधा नहीं थी। जब बेटियों के लिए इतनी सुख सुविधा प्रोवाइड करवाई गई है तो इनकी ब्रान मट्टी क्यों, फीमेल एम्पावरमेंट के लिए तो डिपार्टमेंट है, अब इनकी भी ब्रान मट्टी हुई है। वहाँ पे जाके जब बड़े बड़े गठड़ों के साथ ही वहाँ पे गए, जो मैंने पता चला वहाँ पे जाके उन्होंने दिखाया ना तो उन्होंने कोई गठड़ देखा ना कुछ बात करी, सिर्फ एक जो एक सीनियर हो उसका एक तरीका हुआ है शायद, मैंने पता लगा सिर्फ डांट डांट पे ली है और कुछ नहीं हुआ, इनकी जो बड़ी बड़ी फाइलें थी वो चेक नहीं करी गई। अब मामला बहुत सारी जगह गड़बड़ में है। अब AO है अकाउंट ऑफिसर जो सीधे पंचकुला बैठते हैं, अकाउंट ऑफिसर है डेफिनेटली इनके हाथ में ये चार्ज हुआ है, उनसे भी अगर कोई ऊपर सीनियर सेंट्रल लेवल पे अगर कोई आदमी जांच करे तो वहां से पूछताछ शुरू हो कि भाई आपकी तरफ से फंड रिलीज कराया गया, ये 5,000 रुपए अकाउंट में डाले गए, आपने क्या इंक्वायरी करी, सीधी सी बात है। उसके बाद PO CDPO, CDPO क्या है, पूरे डिस्ट्रिक्ट जिले के एक मुख्य अधिकारी है इस डिपार्टमेंट के, वो यहां से लगे हैं। मैंने लगता नहीं कि इसमें PO या CDPO कहीं करप्ट हो सके हैं। अब उसके बाद आती है फीमेल सुपरवाइज़र। फीमेल सुपरवाइज़र एक वो नौकरी है जो एक एक ब्लॉक में, अभी जैसे हम बात करा नारनौंद की, नारनौंद जैसे पूरे हिसार में 10 ब्लॉक हैं, और इस तरीके से अगर पूरे हरियाणा में ब्लॉक फड़ावा पाँ तो मेरे ख्याल से 180 के ब्लॉक के निड़े ये पावे हैं, और अभी 180 के अगर हिसाब से हम फड़ावा तो 180 शायद वर्कर हैं यहाँ के,
जो कि 140 ब्लॉक पूरे हरियाणा के पाए जावे, 140 गुणा में 5000 अगर हम करा, 5000 का मतलब उनके अकाउंट में 5000 रुपये डाले गए, उनके अकाउंट में 5000 रुपये डाले गए तो टोटल कै रुपये हो गए होंगे, अंदाजा सा यो मान के चलो कि 43 करोड़, मैंने लिख रखा है 43.96 44 करोड़ रुपया मान लो लगभग, क्योंकि जो 140 ब्लॉक है पूरे हरियाणा के, पूरे हरियाणा के ब्लॉक में से 5000 रुपये गए होंगे अकाउंट में, तो 43.96 करोड़ अंदाजा सा 44 करोड़ रुपए का यो घोटाला सा शायद लगभग सामने आया है। अब कमाई किसने कितनी करी होगी, क्योंकि जो ऑन एवरेज बताया जा हुआ है, जो लोगों से पूछताछ करी है उनको है कि जी हमारे अकाउंट में 5000 आए थे, 2000 हमने उनते दे दिए थे, 2000 कमीशन दिया था जुन सा आदमी लैपटॉप या जुन सी लुगाई छोरी लैपटॉप लेकर आई थी। अब यो माना कि 43 करोड़ रुपए, तो 5000 के हिसाब से 2000 के हिसाब से फड़ावा तो अंदाजा सा 17.5 करोड़ रुपए सामने आवे हैं। बहुत बड़ी बात है। ये वीडियो इसलिए बनाई जावे क्योंकि जो जांच अधिकारी हैं, पुलिस जहां पे केस है, शायद उनके पास भी ये विषय नहीं होगा जो शायद एक आधा पॉइंट में बता दूंगा, अगर उनके पास भी आओगा तो फिर दोबारा इंक्वायरी करेंगे, तो कुछ और नहीं परतें सामने आऊँगी। फीमेल सुपरवाइज़र हैं, CDPO है, क्लर्क है, असिस्टेंट है। क्लर्क और असिस्टेंट का मतलब यो है जो जिसके हाथ में डिपार्टमेंट CDPO ये अलाउट करके देवे है कि भाई ये दो चार काम तू संभालेगा, ये दो चार काम तू संभालेगा। असिस्टेंट का काम हुआ कंप्यूटर पर बैठना, इस टाइप की स्कीम संभालना, और क्लर्क का काम हुआ कंप्यूटर पर की बजाय कागजों का संभाल देख रेख करना। अब यहाँ पे CDPO मैडम ने या पूरी कहीं भी इनके पास शायद एक लिखित में कागज होता होगा भाई मातृत्व वंदना योजना असिस्टेंट संभालेगा के क्लर्क संभालेगा, अगर वो नहीं संभालेगा तो फिर CDPO मैडम की जिम्मेवारी हो है, जहाँ तक कच्ची पक्की सी जानकारी आवे है। तो इस तरीके से ये पुलिस वाले जाँच करें कि यो मातृत्व वंदना योजना इसका टेंडर किसके दौरे था, CDPO मैडम दौरे, क्लर्क दौरे या फिर असिस्टेंट दौरे, क्योंकि इन तीनों में से एक के पास तो इसका ठेका ले रखा था। एक बात नहीं सामने आवा है, एक है डाटा एंट्री ऑपरेटर जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हैं साल छः महीना दो साल खातर, कोई पक्के नहीं होते, लेकिन इस सारी ने मातृत्व वंदना योजना का जो भ्रष्टाचार फैला है शायद ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का कहीं ना कहीं योगदान हो सकता है, पक्के तो नहीं कह सकते फिर भी योगदान हो सका है। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की अगर हम इस नरनोंद की बात करें तो अरे डाटा एंट्री ऑपरेटर नाम की फिलहाल तो कोई जॉब है नहीं, पहले जरूर थी अभी है नहीं, अभी हो सकता है इसका चार्ज कोई और संभाल रहा हो यहाँ पर, लेकिन फिलहाल यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर है नहीं, वही इसकी एंट्री चढ़ाया करता, वही इसकी डाला करता, सारे काम उसी के हाथ में थे, वही वो काम कराया करता भाई। अब बात करें हम ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, ये तो खैर शायद अभी कोई आया है यहाँ पे, आया है कि नहीं आया पता नहीं मैंने। बात करें असिस्टेंट की, असिस्टेंट फिर वही बात होगी कि असिस्टेंट और क्लर्क के बीच में द्वंद्व हो सकता है कि वो प्रोसेस किसके हाथ में था। अभी एक सीट बचा है जिसका ध्यान पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में या पंचकुला या कमलेश डांडा के पास किसी के पास पता नहीं कि जो SA की पोस्ट है वो क्या है। SA की पोस्ट भी एक यहाँ पर होती है, लेकिन जब थोड़ी सी पूछताछ करी तो फिलहाल यहाँ पर कोई SA की पोस्ट है नहीं, लेकिन उसका नाम उसका मामला कहीं यहाँ के कंप्लेंट बॉक्स में आया नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब ये करप्शन का मामला था तब यहाँ पे SA की एक पोस्ट हुआ करती, अब वो SA की पोस्ट है नहीं। SA का जो चार्ज दे रखा है किसी शायद फीमेल सुपरवाइज़र को ही दे रखा है, वो कौन है उससे बातचीत करी जाए, लेकिन जिस सन में ये गड़बड़ हुआ करती उस टाइम पे यहाँ पे कौन कौन आदमी था, वो इन्वॉल्व थे कि नहीं थे, इस बारे में जाँच करी जावे, क्योंकि उस टाइम पर SA भी था या थी जो भी है, हो सकता है उसको छुपाया जा रहा हो सकता है उसकी इंक्वायरी करवाई जाए कि SA कौन था, उसके हाथ में क्या काम थे। जितने भी यहाँ पे ये 8-10 कर्मचारी हैं, CDPO है, फीमेल सुपरवाइजर, क्लर्क, असिस्टेंट, SA, डाटा एंट्री ऑपरेटर, चौकीदार, PN, ड्राइवर, स्वीपर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, सबकी जांच करी जाए कि क्या इनमें से किसी का खाता तो नहीं उस फेक अकाउंट में चल रहा। बहुत सारी बड़े लेवल की ये गड़बड़ है, 43 करोड़ रुपये का जो भ्रष्टाचार होया है वो यहाँ पे देखा गया है।
ये सारी बातें एक गैस करके बनाई गई हैं, मतलब शंका के आधार पे। एग्जैक्टली तो मैं किसी का नाम ले नहीं सकता, और ले दूंगा तो फिर दिक्कतें हैं भाई। लेकिन जो बात मैं बताऊं हूं, इस पे सरकार ध्यान देवे, बहुत बड़ा घोटाला है यो। इसके बाद एक घोटाला सीएससी डिपार्टमेंट, जो नू बताओ कि हरियाणा में बहुत बड़े लेवल पर इसमें घोटाले चले हैं, उसके बारे में भी जांच पड़ताल करांगे, पूरी जांच परख करांगे, उसके बारे में भी पूछताछ करांगे। फिलहाल ये डिपार्टमेंट यहाँ पे कौन कौन के केस हमी लावे है के नहीं, इस बारे में जांच करी जाए, जो कि ऐसे यहाँ पे है नहीं, जो ऐसे था उसके डॉक्यूमेंट खंगाले जावें। और अगर कोई किसी ने बचाने की कोशिश करे है, समझने की बात है, अगर कोई किसी ने बचाने की कोशिश करा है तो उस पर भी कार्रवाई हो। यहाँ की जो वर्कर है, आंगनवाड़ी वर्कर, उनके डॉक्यूमेंट देखे जाएं कि वो क्या गड़बड़ कर रही थी या नहीं कर रही थी। अब FIR तो यहाँ पे कटवा दी, जब ये तो अखबार में नाम आया है, लेकिन FIR कटने से काम नहीं चलता। सरकार ध्यान देवे, यहाँ का पुलिस प्रशासन ये ध्यान देवे कि यहाँ पे कौन कौन कर्मचारी पहले थे, यहाँ का SA कौन था या थी, यहाँ का डेटा एंट्री ऑपरेटर कौन था या थी, उनके बारे में उनकी गहनता से जांच हो। और तो बात बहुत सारी है, लेकिन सारा ठेका के मने ले रखा है, थोड़ा हाथ पाँ ला लो और फिर देखांगे। बाकी इस बारे में बहुत सारी जानकारी काटांगे, तब तक के लिए भाई धन्यवाद। रुक जाए, एक दो बात और दिमाग में आए हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि मेरी वीडियो बनाने से शायद पुलिस प्रशासन को कोई फ़ायदा हो, या कमलेश ढांडा जी को कोई फ़ायदा हो, या फिर जो सुना था कि मेवात में सारे सस्पेंड कर दिए थे, बाद में और तो और पक्के कर्मचारी तो बहाल कर दिए, जो कच्चे थे प्रोबेशन पीरियड पे, दो दो साल के प्रोबेशन पीरियड पे जो हैं वे आज तक बहाल नहीं हुए, या सच्ची है कि फेक है पता नहीं मैंने, या घटना इनके साथ ना घटे, लेकिन जो जिसने बचाने की कोशिश करा उसको पक्की उस पर स्ट्रॉन्गली एक्शन लिया जाए, स्ट्रॉन्गली कार्रवाई हो। लेकिन जो इस डिपार्टमेंट में ज़्यादातर लुगाई हैं, एक दो हैं जो मेल कर्मचारी हैं, भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारियों के ऊपर जो सशक्तिकरण हुआ है, इन्हीं डिपार्टमेंटों से चला है, लेकिन जब इन्हीं को बयान कराया जाऊगा तो भाई डिपार्टमेंट का भी कोई फायदा नहीं। इस बारे में दीपेंद्र हुड्डा जी, जो मेरे एक फेवरेट सांसद है, भूपेंद्र हुड्डा जी, और विपक्ष में बैठे हैं जो अभय सिंह चौटाला जी, और जितने भी विपक्ष में बैठे हैं, इस मामले पर खींच के लोगे तो बहुत बड़ी कमियां, बहुत बड़े करप्ट लोग सामने आओगे। और इतना ही यार, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा कुछ बतांदे यार, फटाफट में कुछ गलती होगी हो तो यार क्षमा चाहूँ, क्योंकि ये सारी बात शंकाओं के आधार पे हैं, जो आइडियाज़ मेरी तरफ से लगाए गए वो सिर्फ शंकाओं पे हैं, सच्चाई का तो के को उसका भी गैस करोगे तो कुछ पता लग जाऊगा, लेकिन कोई भी मनस बचना नहीं चाहिए अगर करप्ट है तो। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।